अरे वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 जो कि आपका 24, 25, 26 और 27 अगस्त 2023 को होना है, इसके लिए पेपर टू की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर वन पे लगातार जारी है। पेपर टू में आपका जनरल स्टडीज़ है, जीएस जिसे आप सामान्य अध्ययन करते हैं, और इसकी तैयारी बड़े ही हम लोग सटीक रणनीति के तहत कर रहे हैं और कद स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि समय कम है। आप 10 नोट्स, 10 बुक, 10 कोचिंग के चक्कर में रहेंगे तो भाई फंस जाएंगे, इसीलिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ और उस बुक को हम लोग रट लेंगे। और इस बुक को मैं वादा करता हूँ 30 दिन में आप सभी को रटा दूंगा। बिल्कुल सिलेबस पर आधारित बुक है, त्रुटि रहित बुक है। सभी बुक का अध्ययन करने के बाद ये बुक सबसे बेस्ट लगी है, मैं आपको यही कहूँगा। 10 बुक अभी ना पढ़ें, एक ही बुक है यही, स्पार्क पब्लिकेशन का पटना से छपी हुई बुक है, इसे आप 10 बार पढ़ लें। और चलिए आज हम लोग इसे फिर एक पेज को फिर से आज रटते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रटना ही नहीं है बल्कि कहीं कहीं समझने का जरूरत होगा तो समझेंगे भी। तो यहाँ पे दो कंटेंट रहता है, आपको पता ही है, एक साइड परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य, दूसरा कुछ स्पेशल कंटेंट दिया रहता है। तो आज हम लोग देखते हैं और ये प्रत्येक वन लाइनर को मैं दो बार बोलूँगा, आप भी मेरे साथ दो बार बोलें, इससे क्या होगा आपको याद होते चलेगा। पहला है, कारगिल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। कारगिल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा कारगिल में युद्ध हुआ था 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत की जीत हुई थी इसमें। अगला है, यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। अगला है, पानीपत के प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। और इसी युद्ध से, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी 1526 में। अगला है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बहुत ही आसान, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? अकबर। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? अकबर। यह सभी धर्मों का एक तरह से सार था। अगला, मानसून हवाएं कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं। मानसून हवाएं कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं। भारत में जो वर्षा होती है, कह सकते हैं रेनी सीजन जो होता है, मानसूनी हवाओं के कारण ही होता है। अगला, रूस का साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। रूस का साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अगला है, 1857 का विद्रोह किसका विद्रोह था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था किसका विद्रोह था? यह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, इसमें आम जन शामिल नहीं थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक जो कि भारतीय थे, भारतीय जिन्हें कि ब्रिटिश सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे, उन्होंने ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1857 का विद्रोह किसने किया था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा, है ना। जैसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हैं, तो जो सबसे मिडिल में अक्षांश है वो सबसे बड़ा होता है, जिसे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? विवेकानंद। माओत्से तुंग कहाँ से संबंधित है? चीन से। माओत्से तुंग कहाँ से संबंधित है? चीन से। इस तरह के जो भी आपको नाम मिलेंगे, माओत्से तुंग, है ना, जिनपिंग, ये सब जो लास्ट में गौ रहेगा अधिकतर, ये सभी चीन से हो जाएंगे। प्रसिद्ध कथन, सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए है, है ना। प्रसिद्ध कथन लोकतंत्र के बारे में परिभाषा है, सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए। किसने दिया है? तो अब्राहम लिंकन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 को, मुंबई से ठाणे के बीच। अगला है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है?
जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है? केरल। चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू। चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू। अब पूछा जाएगा बापू के नाम से, तो महात्मा गांधी। भारत के कौन से शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? जयपुर। जयपुर को कैसा नगर कहा जाता है? गुलाबी नगर। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह। भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। तो असैनिक मतलब सिविलियन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, जो कि सिर्फ दो दिन रहे थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ताले, ताला, लॉक, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है अलीगढ़ में। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ताले। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8, पहले 9 हुआ करते थे। एक ग्रह को ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है और अभी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। भारतीय रेलवे की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी। भारतीय रेलवे की डीजल विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी। वैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। वैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी, जो कि इनकी मौसी जी थी गौतम बुद्ध की। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। अगला है, टाइटन शब्द का संबंध किस ग्रह से है? यानी टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि। ये शनि का उपग्रह है, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। उसी तरह शनि जो ग्रह है उसका उपग्रह है टाइटन। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी पुस्तक में हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम आनंद मठ से ही ली गई है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला, भारत में स्वशासन की स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी? लॉर्ड रिपन। इसे भारतीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो भारत में स्वशासन की स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी? लॉर्ड रिपन। स्वशासन में जैसे पंचायती राज होता है इस टाइप का, जैसे यहाँ के लोग खुद ही अपना शासन करें और छोटे छोटे स्तर पे इस प्रकार के जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है आज के डेट में, उसको हम स्वशासन का उदाहरण मान सकते हैं। इस सब की जो नींव पड़ी थी लॉर्ड रिपन ने डाली थी, भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अगला है, फारेनहाइट में पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? 200-212 डिग्री। फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? -212 डिग्री। अगला है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनाया था? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। इसका दूसरा नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनाया था? मुमताज महल, अगर ये नहीं रहे तो अर्जुमंद बानो बेगम। अगला है, लीफ ब्लाइट नामक रोग किस अधिकतर किस में पाया जाता है? गेहूँ में। लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर किसमें पाया जाता है? गेहूँ में। 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि इसमें सेना शामिल हुए और जितने हिंदू थे मुस्लिम थे सब मिल के इसमें इन्होंने भाग लिया, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में डिवीजन कर सकते नहीं हुआ था, भेदभाव नहीं था, इसलिए ये सबसे बड़ी बात थी हिंदू मुस्लिम एकता। सागरीय जल में कितना नमक की मात्रा विद्यमान है? सागरीय जल में कितना नमक की मात्रा विद्यमान है? तो ये है आपका 2.8%। 2.8%। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो यानी ब्रिटेन में स्थित है। ग्रीनविच क्या है? ये हमारे पृथ्वी पर देशांतर रेखा खींची गई है, ये सबसे बीच की 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम है ग्रीनविच रेखा, या भारतीय मुख्य समय मान भारतीय ने विश्व की मुख्य समय मानक रेखा भी यही है ग्रीनविच से जो गुजरती है। तो ग्रीनविच किस देश में है?
यूनाइटेड किंगडम, जैसे ये हमारे पृथ्वी है तो बीच में जो देशांतर है, जैसे इधर से हो गया ये हो गया विषुवत रेखा अक्षांश, लेकिन बीच में जो देशांतर है तो वो देशांतर कहाँ से गुजरती है, यूके के ग्रीनविच से, और इसी को कह सकते हैं विश्व का समय मानक रेखा माना गया है, इसलिए इसको ग्रीनविच समय मानक रेखा भी कहते हैं। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला क्षोभ मंडल है ना, कि मोटाई कब बढ़ जाती है, गर्मी में, क्योंकि गर्मी में कह सकते हैं कि इनका जो फैलाव हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है और ये फैल जाता है डेंसिटी कम होने के कारण, जिसके कारण इसकी मोटाई बढ़ जाती है। तो कब बढ़ती है, गर्मी में बढ़ेगी। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक गणितज्ञ किस मूल नाम से जाने जाते हैं, अरबी मुस्लिम। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ किस मूल नाम मूल के ना किस मूल के माने जाते हैं, है ना, किस मूल के थे, मतलब कहाँ के वो रहने वाले थे, अरबी मुस्लिम, अरब देशों के मुस्लिम। अगला है, अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा में हुआ है। अलजेब्रा जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अरबी भाषा से। अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है, अरबी से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में है, कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जोग, या इसको गरसोप्पा भी बोलते हैं, जोग या गरसोप्पा, ये कहाँ है, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में स्थित है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण किसके अवतार थे, लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। रामायण में आप लक्ष्मण को जानते होंगे, वो किसके अवतार थे, शेषनाग के। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है, ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन है, ग्राम पंचायत। भारत में सबसे लंबा यात्री रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से तवी। भारत में सबसे लंबा यात्री रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, आपका कश्मीर से जम्मू तवी तक। पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट, जैसे इंडिया का जो हम अगर मैप देखें तो साउथ में जो ये पूर्वी, ये हमारा पूर्वी, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, दोनों कहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर मिल रही है, इसी जगह पर एक पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ में, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए दोनों कहाँ मिलते हैं पूछा जाए तो नीलगिरी की पहाड़ी आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 26 मील 365 गज। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है, 26 मील 365 गज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो मेन कुछ स्पेशल कंटेंट रहता है उसको देखेंगे। प्रमुख खनिज है और उसका उत्पादक देश दिया है, प्रमुख खनिज यहाँ पर है, उत्पादक देश घटते क्रम में है, मतलब सबसे ज़्यादा मान ली लोहा, लोहा में सबसे ज़्यादा कौन है, एक नंबर उत्पादक यूक्रेन, दो नंबर ब्राज़ील, तीन नंबर ऑस्ट्रेलिया, चार नंबर चीन और पाँच नंबर यूएसए में सबसे ज़्यादा यूक्रेन उत्पादन करता है लोहा का। तो आपका ये टीचर का एग्जाम है साथी, तो टीचर के एग्जाम में कभी भी आपको इस लेवल का नहीं पूछा जाएगा कि क्रम सेट करना, सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछा जाएगा, इसलिए आप सबसे शुरू वाला को ही याद करें, है ना। लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है, यूक्रेन। तांबा का चिली, ऐसे एक एक को याद करना, पूरी याद नहीं करना। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, टीन मलेशिया, मैगनीज यूक्रेन। यूक्रेन देखिए दो चीज़ों में, लोहा में भी और आपका मैगनीज में भी। जस्ता में अमेरिका है, सोना में दक्षिण अफ्रीका है, याद रखिएगा। चांदी में मैक्सिको है और हीरा में दक्षिण अफ्रीका है, दो चीज़ों में दक्षिण अफ्रीका, सोना में भी और हीरा में भी, याद रखिएगा। सोना में कौन है, दक्षिण अफ्रीका, और हीरा में भी दक्षिण अफ्रीका, लेकिन चांदी में मैक्सिको है। आगे बढ़ते हैं, पारा, पारा में सबसे एक नंबर पर कौन है, स्पेन। सीसा में अमेरिका है, यूएसए। अबरक में भारत, और बहुत ज़्यादा आगे, विश्व का 80% अबरक भारत में होता है। अगला है थोरियम, थोरियम में ब्राज़ील फिलहाल एक नंबर पे है, लेकिन भारत में भी बहुत बड़ा इसका भंडार मिला है, इसके बाद आने वाले समय भारत भी इसमें स्थान बनाएगा, तो अभी फिलहाल थोरियम में एक नंबर में ब्राज़ील है। यूरेनियम में कनाडा है, यूरेनियम उत्पादन में एक नंबर पे कौन है, कनाडा।
अगला टंगस्टन जो कि बल्ब में लगता है, इसमें चीन एक नंबर पे है। प्लेटिनम, प्लेटिनम में भी कनाडा है, इसके पहले कनाडा किसने देखा है, किसमें थे, यूरेनियम, यूरेनियम और प्लेटिनम दोनों में कनाडा। क्रोमियम, क्रोमियम में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दो चीज़ों में आगे था, बताइए आप किसमें, आपको जवाब देना है। पेट्रोलियम में यूएसए, फिर से पेट्रोलियम में आपका यूएसए हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है, अब हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां शिखर, इनको देखना है, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां और शिखर, है ना, जैसे पर्वत श्रेणी शिखर यहाँ दिया है, यहाँ देश किस देश में है, जैसे पहला एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। और रॉकीज पर्वत श्रेणी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा, एंडीज दक्षिणी में और रॉकी उत्तरी अमेरिका में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। बहुत लोग यहाँ भारत मार देते हैं, गलती नहीं कीजिएगा, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है उसका इलाका। अगला है काराकोरम या K2 गॉडविन आस्टिन, ये भारत में है, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, काराकोरम या K2 या इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम को शॉर्ट में बोलते हैं K2 और इसका और एक नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ये का है भारत में और भारत का सर्वोच्च चोटी है। फिर कंचनजंगा, ये भी भारत में है। हिमालय कहाँ है, भारत चीन नेपाल, तीनों के सीमा को टच करता है हिमालय, बहुत बड़ा है पर्वत श्रेणी है। तो इसी प्रकार ये बहुत सारे देश की बॉर्डर को टच करता है, जैसे भारत में भी है, चीन में भी है, नेपाल में भी है। मकालू, नेपाल और चीन, मकालू जो श्रेणी है ये नेपाल और चीन के बॉर्डर को टच करता है। अगला है अल्पस, इटली स्विट्जरलैंड, अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ है, इटली और स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड अल्पस। अगला है लहातसे, लहातसे पर्वत श्रेणी कहाँ है, नेपाल में। काकेसस जॉर्जिया, काकेसस जॉर्जिया। एटलस, एटलस कहाँ है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, एटलस कहाँ, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। तो ये था साथियों आज का, हम लोग इस पेज को कंप्लीट कर चुके हैं, कल फिर एक नए पेज के साथ आते हैं। इसी तरह 30 डेज का एक टारगेट क्लासेस चल रहा है, 30 डेज में एग्जाम के पहले आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। आप भी चाहते हैं कि BPSC टीचर एग्जाम में सफलता पाएँ और टीचर बने, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आप सारे क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा कि हमसे जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के लिए एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।